सैया मधुबन बाग लगायो कवन फल खाने को, सैया मधुबन बाग लगायो कवन फल खाने को, सासु जो पाए वही मसे पूछे, वही मसे पूछे, बहु कवना से फल तुम खायो ललन बड़ा सुंदर हो, बहु गौना से फल तुम खायो ललन बड़ा सुंदर है, अपना खोरिया बहारा कवन पापा, अपन खोरिया बहारा कवन पापा, आई गई ले दूल्हा दामाद हो लाखी, आई गई ले दूल्हा दामाद ए सखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज, मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर के बटाऊ बीर में है, और आपको बता दें कि लगातार अगर हम लोकगीत और पारंपरिक गीत और अगर हम भारतीय संस्कृति सभ्यता की गीतों की बात करें, तो इस वक्त डिजिटल मीडिया का ज़माना चल रहा है, ऐसे में अगर हम बात करें तो YouTube पर बहुत सारी महिलाएं आती हैं, अब चौका बेलना छोड़कर वो काम करना शुरू कर दी हैं और कुछ अर्निंग भी करती हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो जौनपुर की सुप्रसिद्ध जोड़ी वंदना अर्चना तिवारी की, रेखा संध्या यादव की, लेकिन आज गाजीपुर की एक ऐसी जोड़ी से मिलवाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप कहेंगे वाह वाह, जिनका नाम सविता बबीता प्रजापति जी हैं, जो कि अपने लोक गायकी के माध्यम से लोगों का एंटरटेनमेंट करती हैं, और अगर हम बात करें वो गाने आपको सुनाती हैं जो आजकल धीरे धीरे गाने विलुप्त होते जा रहे हैं। तो आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज़ जी। पीजी न्यूज़ के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, हमारा भी सभी को सादर प्रणाम, और मैं पीजी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं जो मेरा न्यूज़ इंटरव्यू ले रहे हैं। बहुत दिन से मुलाकात करने की इच्छा थी। हाँ, बहुत दिन से मुलाकात करने की इच्छा थी पर हो नहीं पा रही थी, लेकिन आज भगवान ने ये संजोग ना दिया जो हम आपसे मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार आशीर्वाद आप लोग देते हैं। स्वागत है आपका दोनों बहनों का पीजी न्यूज में जी। स्वागत करती हूँ आपका भी, हमको बहुत दिन से इंतजार था कि आपसे मिलें, और आज वो दिन आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज जौनपुर में आप कहाँ पे आई थी? जौनपुर में आज हम वंदना दुबे जी के यहाँ आए थे। अच्छा, वंदना दुबे की स्टूडियो पे जी। जी जी, आपको बता दें कि वंदना दुबे के स्टूडियो पर दोनों बहनें आई थी, और हर यूट्यूबर बड़े यूट्यूबरों से मिलने की कोशिश करता है, तो आज दोनों बहनें आई थी। अगर हम बात करें तो आप लोग भी गाती हैं, चैनल है आपका भी यूट्यूब चैनल जी जी, क्या नाम हो चैनल का? जी, मेरे चैनल का नाम है संगीत दरबार। अच्छा, संगीत दरबार जी। संगीत दरबार पर कैसे गाने आते हैं जी? पारंपरिक लोकगीत, आपका गाली, शादी वाला गाली, आपका तिलक का, जितने भी मतलब पारंपरिक लोकगीत है। तो ऐसे में अगर हम बात करें, जो महिलाएं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे शहरों में रहती हैं, और जब वो शादी विवाह में आती हैं और विवाह में कहा जाता है जरा भैया वो गाना गावा, तो वो गाना वाना नहीं गा पाती हैं, क्योंकि वो गाना उनको आता ही नहीं है, तो आप ही लोग उनको सिखाती हैं। हाँ, और शादी विवाह में हम लोग को बुलाया भी जाता है पर्सनली गाने के लिए। हाँ, क्योंकि चलिए अब हमारे दर्शक आप लोगों से गाना सुनना चाहते हैं, गाना होना चाहिए, क्या बात है, दोनों बहनें मिलकर एक गाना सुनाएंगे हमारे दर्शकों को, क्या बात है। वाह जी, मैं सोहर गीत सुनाना चाहती हूं। बिल्कुल 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 होना चाहिए, चलिए। सैया मधुबन बाग लगायो कवन फल खाने को, सैया मधुबन बाग लगायो कवन फल खाने को, सासु जो पाए वही मसे पूछे, वही मसे पूछे, बहु कवना से फल तुम खायो ललन बड़ा सुंदर हो, बहु गौना से फल तुम खायो ललन बड़ा सुंदर है, नींबू ना खाई नारंगी ना खाई, नारंगी ना खाई, मैं तो खाई थी केले की कलियां, मैं जानू वही फल है,
मधुबन बाग लगायो कवन फल खाने को, गोतिन जो आवे वही मुझसे पूछे, वही मुझसे पूछे बहू कौन से बेदा तुम की ओ ललन बड़ा सुंदर है, बहू कौन से बेदा तुम की ओ ललन बड़ा सुंदर है। गंगा नहाई ना यमुना नहाई ना यमुना नहाई, मैं तो बरत रही तवार मैं जानू वही फल है। सैया बरू सैया मधुबन बाग लगायो कवन फल खाने को, ननद जो आवे वही मुझसे पूछे, वही मुझसे पूछे भाभी कोने की पड़ी परछाई ललन बड़ा सुंदर है, भाभी कोने की पड़ी परछाई ललन बड़ा सुंदर है। ये बताइए कि इतने सुंदर गाने आप लोग खुद लिख देती हैं? जी मैं खुद लिख कि किसी का सुना हुआ गाना? जी नहीं, ये मेरा खुद का लिखा हुआ, खुद का गाना। हाँ, खुद। आपको बता दें कि मुझे उम्मीद है कि ये गाना आप लोगों को बेहद पसंद आ रहा होगा, और अगर ये गाने आपको पसंद आ रहे हो तो आप एक सुंदर कमेंट करके इस गाने को और आगे शेयर लगा दीजिए, क्योंकि और लोगों तक जब ये गाना पहुंचेगा तो शायद अगर हम बात करें हमारे हमारी अंटी समान हैं, इन्हें आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए, और इनके बच्चे अगर आपको दिखा दें तो हमसे बड़े बड़े हैं। ये दिखा सकते हैं कैमरा मैन से चाहेंगे जरा दिखाएंगे, ये भी कैमरा चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की इस प्रकार की वीडियो लेके आते हैं कि ताकि आप लोग घर में बैठ कर अपना अच्छा से मनोरंजन कर सके। अच्छा ये बताइए कि जब आप लोग गाती हैं तो घर वालों का प्रेशर वगैरह नहीं आता? जी नहीं, प्रेशर नहीं रहता है हमारे। आपको जी नहीं नहीं, बैंड जी कुछ बोलते? नहीं नहीं कुछ नहीं बोलते हैं। क्या कहते हैं, गावा करा? हाँ बोलते हैं कि गाओ गाओ, देखो तुम्हारी किस्मत कहाँ तक जाती है। इतनी छूट मिल गई। चलिए एक गाना ऐसा होना चाहिए जो आप लोगों के बेहद दिल के करीब हो और हमारे दर्शक भी उसको सुनने के बाद झूमने लगे। क्या बात, दरवाजे पर घंटी लगा दो पिया, दरवाजे पर घंटी लगा दो पिया, तेरी मम्मी की बोल मुझे ऐसी लगे, तेरी मम्मी की बोल मुझे ऐसी लगे जैसे काली नगिनिया ने डस ले पिया, जैसे काली नगिनिया ने डस ले पिया, दरवाजे पर घंटी लगा दो पिया, दरवाजे पर घंटी लगा दो पिया, तेरी भाभी की बोल मुझे ऐसी लगे, तेरी भाभी की बोल मुझे ऐसी लगे जैसे काली ततैया ने डसले पिया, जैसे काली ततैया ने डसले पिया, दरवाजे पे घंटी लगा दो पिया, दरवाजे पर घंटी लगा दो पिया। क्या बात है। आपको बता दें कि हर ज़िले की अगर हम बात करें कुछ ना कुछ फेमस चीज़ें होती हैं और कुछ फेमस गाने भी होते हैं, तो आज गाजीपुर के कुछ फेमस गाने आपको सुनवाएंगे जो कि शादी विवाह के पारंपरिक गीतों की तरफ गाया जाता है। अच्छा एक वो गाना और हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहते हैं, जैसे हर ज़िले की कुछ ना कुछ फेमस चीज़ें होते हैं, तो आपके गाजीपुर का क्या फेमस है? जी हम लोग का जो दरवाजे पे बारात आती है। अच्छा जब दरवाजे पे दुआरा के चार लागत है तब की बात आप कर रहे हैं? की बात कर रहे हैं, द्वार पूजा बोलते हैं उसको, द्वार उस टाइम मतलब औरतें गाती हैं। कैसे गाती? अपना खोरिया बहरा हो कवन पापा, अपना खोरिया बहरा कवन पापा, आई गई ले दूल्हा दामाद हो लाल, आई गई ले दूल्हा दामाद ए सखी, खाए के मांगे दूल्हा पूरी मिठाई हो, खाए के मांगे दूल्हा पूरी मिठाई जी,
लड़ने के मांगे माए दान ए सखी, लड़ने को मांगे माए दान ए सखी। क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि आप लोग YouTube चैनल अपना कब क्रिएट की थी? जी मेरा YouTube चैनल 2021 में हुआ था। 2021 में जी हुआ था। अभी तक चैनल मोनेटाइज जी नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए कि आप दोनों बहनें अपने YouTube चैनल पर कितना वीडियो डाली हैं अब तक? जी नहीं जी 200 कम से कम 150 दोनों बहने आप लोग 200 वीडियो डाल चुकी हैं। 150-200 अभी चैनल मोनेटाइज नहीं। आज से आप जाइएगा, आप लोगों ने बहुत लोगों को प्यार आशीर्वाद दिया है, लेकिन एक बार अगर मुझे मानते हैं आप लोग, अगर मुझे कुछ सपोर्ट करते हैं तो मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं दो बहनें हैं सविता और बबीता जो कि बहुत मेहनत कर रही हैं और आप लोगों का प्यार पाने के लिए लालायित हैं। और आपको बता दें कि 600 नियर अबाउट सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 400 की और ज़रूरत है। आप लोग एक हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरा करा दीजिए। बहुत उम्मीद होगी कि हम पीजी न्यूज पर गए थे और वहां से मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो लगातार बढ़ना शुरू कर दिए। चैनल का नाम एक बार फिर से बताइए। संगीत दरबार। अच्छा संगीत दरबार जी। और मैं कहता हूँ कि आप दोनों बहनें लगातार जो है वो 10 वीडियो 15 वीडियो और आप शूट करके डालिए, 101% आपका चैनल मोनेटाइज होगा और वीडियो भागेगा। जी 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 ठीक है जी। क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे दर्शक आपको इस समय देख रहे हैं, बहुत प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं और बड़े बहुत कमेंट्स, बड़ा सुंदर सुंदर कमेंट आ रहा है। लोगों के लिए आप लोग क्या कहेंगे? जी हम लोग यही कहना चाहेंगे कि मेरे पीजी न्यूज भैया को बहुत प्यार दुलार दीजिए और उसके साथ साथ हम लोग को भी दीजिए और सपोर्ट करिए। और जितने भी दर्शक पीजी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं सबको मेरा सादर प्रणाम और हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और गाजीपुर से जितने लोग भी गाजीपुर से अगर कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ बहने हैं और कुछ लोग गाना चाह रहे हैं, अगर मिलना चाहते हैं दोनों बहने से, सविता और बबीता जी से, तो आप इनके चैनल पर जाके कमेंट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, तो आप मिल के आपस में और अच्छे से आप ग्रोथ कर सकते हैं। हालांकि एक बार आपसे फिर से चैनल का नाम बता दें कि संगीत दरबार चैनल का नाम है। जी, संगीत दरबार चैनल का नाम है। आप लोग जाइए सर्च करिए यूट्यूब पर और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दीजिए। हालांकि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद जय भारत।